स्वागत है मित्रों। इस ट्यूटोरियल में हम विंडोज 7 गैजेट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गैजेट्स वह प्रोग्राम है जो आपको सुनिश्चित तरह की जानकारी और निर्देश देता है। इसे एक्टिवेट करने के लिए अपने डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें और वहां से गैजेट्स चुनें। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें से आप अपने पसंदीदा गैजेट्स सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि क्लॉक, कैलेंडर, सीपीयू मीटर, वेदर और अन्य। आप ज़्यादा गैजेट्स प्राप्त करने के लिए गेट मोर गैजेट्स ऑनलाइन बटन पर क्लिक करें। फिलहाल हम इसे बंद करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके डेस्कटॉप पर नए 4 गैजेट्स ऐड हो चुके हैं। आइए इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले क्लॉक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर 3 और बटन आ जाएंगे। यह क्लोज बटन है जिसकी मदद से यह गैजेट क्लोज हो जाएगा। यह ऑप्शंस बटन है। ऑप्शंस की मदद से आप इस गैजेट से संबंधित विविध ऑप्शंस देख सकते हैं। आप जैसे कि देख रहे हैं, आप इसके कलर और इत्यादि सेटिंग्स चेंज कर रहे हैं। अगर आप इस क्लॉक को कोई नाम देना चाहते हैं तो वह भी यहां से दे सकते हैं। आप इसका टाइम जोन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही हमने इन सेटिंग्स को चेंज किया, हमारे गैजेट में वह परिवर्तन लागू हो चुके हैं। कैलेंडर को एनलार्ज करने के लिए लार्ज साइज बटन दिया गया है, जिसकी मदद से आप पूरा कैलेंडर देख पाएंगे। सीपीयू मीटर आपकी सीपीयू की करंट स्थिति दिखाता है, जो कि आपकी मेमोरी यूसेज और सीपीयू यूसेज से संबंधित है। और आखिर में वेदर। इसके सेटिंग्स पर क्लिक करें तो आप यह पाएंगे कि आप किस लोकेशन का वेदर जानना चाहते हैं। जैसे कि हम भारत की राजधानी दिल्ली, इसे सर्च करेंगे। हमने दिल्ली सिलेक्ट किया और आप देख रहे हैं कि करंट लोकेशन दिल्ली है। ओके पर क्लिक करने से यह सेटिंग लागू होगा और यहाँ पर आपको इस समय का तापमान और इसकी आबोहवा से संबंधित विविध जानकारियाँ मिलेंगी। तो इस तरह से हम गैजेट्स का प्रयोग करके किन्हीं स्पेसिफिक तरह की जानकारी या निर्देश प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।